Hello everyone, welcome back to our PYQ series, welcome back to Revised 2AS program PYQ series. First of all, we want to extend heartfelt gratitude aap sabhi ko jo hamare followers hain, and we have got a very huge, very good response on our Middle India ka jo hum logo ne PYQ series discuss kiya hai, ancient history ka jo humne discuss kiya hai, and it was like we are overwhelmed, theek hai, to us response ke liye aap sabhi ko bahut bahut shukriya. और इस तरीके से आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट है कि सर आप वीडियोस बनाते रहिए. वीडियोस चल रही हैं, पिछले साल भी हमने बनाई थी, लास्ट ईयर आल्सो वी गॉट वेरी गुड रिस्पांस इन दी सीएससी प्रीलिम्स 2022. इस साल भी वीडियोस आ रही हैं. प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, यू विल गेट एन नंबर ऑफ वीडियोज विच विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट है और पीवाईक्यू सीरीज का, दिया प्रीलिम्स का, दोनों का है. सो वी आर डिस्कसिंग पीवाईक्यू आल्सो, वी आर डिस्कसिंग करंट अफेयर्स आल्सो. वी हैव रिलीज द टॉपिक लिस्ट, उसका भी फायदा उठाइए. एंड हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू. Now today we are going to discuss about modern history. Ancient dekha, medieval dekha, ab modern history ke kuch questions lete hain, especially from those exams which were conducted by UPSC in the 2023, isi saal jo conduct hua hai. And we are going to discuss about bandi jeevan, lok sevak sangh, seva samiti 1914, dastak and majhe vidyapeeth. Dekhte hain kya. So as usual, we will take the help of the questions and we will try to understand. So here we have the first question, and the first question is, who among the following is the author of the book Bandi Jeevan? It is also known as The Life of Captivity, and the book was written in 1920-22. Ras Bihari Bose, Veer Savarkar, Aruna Asaf Ali, Sachindra Nath Sanyal. Pata hai? So let us know your answer in the comment section. Agar nahi pata hai, discussion ke through hum isko samajhte hain. Let's have a quick revision. So here we have Amrit Azadi ka Amrit Mahotsav. सबसे पहले तो इस वजह से न्यूज में था, सचिन नाथ सान्याल वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. ही वॉज ऑल्सो इन न्यूज इन 2022 बिकॉज नेशन रिमेंबर्स रिवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल ऑन हिज 80th डेथ एनिवर्सरी. और बुक की अगर हम बात करें, बुक लिखी गई थी 1920-22 में, और लास्ट ईयर था 2022. इट वॉज लाइक सेंचुरी हुआ था, 100 ईयर्स हुए थे. एंड आजादी का अमृत महोत्सव की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नवंबर 14 इनका एक पोस्ट भी डाला गया था, एंड द पोस्ट वाज टॉकिंग अबाउट बंदी जीवन इटसेल्फ. सो क्विकली हम देखते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल कौन थे, क्या था उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. इट विल हेल्प अस कि अगर बंदी जीवन पे क्वेश्चन नहीं है, सचिंद्र नाथ सान्याल पे क्वेश्चन आता है और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देन वी विल बी एबल टू मार्क इट, राइट. सो हेयर वी हैव, ही वॉज लाइक, चलो बॉर्न 1890 में है, रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे. ही वॉज को फाउंडर ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, विच विल लेटर बिकम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. एंड एज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ही हैज मेंटर्ड फ्रीडम फाइटर लाइक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु. देन ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एट यंग एज, बहुत यंग एज से करते हैं. एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति, आगे देखेंगे और इसके बारे में डिटेल. एंड आफ्टर राज बिहारी बोस एस्केप टू जापान, सान्याल वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियाज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. राज बिहारी बोस के बाद इनको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, स्पेशली जब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, आर्म्ड मूवमेंट की बात की जाती है. तो ही वॉज जेल्ड इन काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस, वॉज फेमस फॉर बींग द ओनली फ्रीडम फाइटर हु वॉज sent to the infamous cellular jail twice, and he died in 1942. Quit India ke time pe 1942 mein, however not exactly in those days, but yes, in that year he died. ये तो कुछ हुआ quick information उनके बारे में. देख लेते हैं अब बंदी जीवन के बारे में. So here we have this book बंदी जीवन, which is also known as the Life of Captivity. It is the autobiographical account, थ्री पार्ट अकाउंट ऑफ सचिंद्र नाथ सान्याल, जिसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर, अपने रिवॉल्यूशनरी करियर के बारे में मेंशन किया है. एंड इट वॉज रिटन इन 1922, एंड द इंटेंशन बिहाइंड दिस बुक वॉज टू मेक द रीडर्स अवेयर अबाउट द ग्राउंड वर्क विच इज डन बाई द रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम द फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, स्पेशली इन द वेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसमें क्या क्या, किस किस ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, क्या वर्क करते थे, कैसा ग्राउंड वर्क उन लोगों ने प्रिपेयर किया, इसके बारे में मेंशन है. He was imprisoned in 1915 for attempting to gather the support for the underground revolutionary activities in Bengal. Extensively, he was involved in the plans for the Gadar conspiracy, and he went underground. He was exposed in February, फिर उनको जेल हुआ,
एंड ही वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ रास बिहारी बोस. और ऐसा हमने देखा कि रास बिहारी बोस के जाने के बाद व्हेन ही एस्केप्ड टू जापान ही वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रोमिनेंट फिगर इंपॉर्टेंट फिगर. दिस इज अबाउट बंदी जीवन एंड स्टार्टिंग डेज ऑफ सचिंद्रनाथ सान्याल. He was instrumental in setting up Anusilan Samiti in Varanasi. तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति कहाँ पे establish किया? It was in Varanasi. And he was the co-founder of HRA, जो हम लोगों ने already देख लिया है. Second term जब उनको imprisonment हुआ, वो imprisonment हुआ था काकोरी robbery incident के वजह से. ठीक है? He has mentored, हम लोगों ने देखा कि भगत सिंह and also चंद्रशेखर आजाद. सान्याल जी का और महात्मा गांधी का काफी डिबेट हुआ था, विच वॉज पब्लिश्ड इन यंग इंडिया बिटवीन 1922-1924, और इस बीच में ये बुक लिखी गई थी. एंड ही वॉज अगेंस्ट द ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच ऑफ गांधी जी. सो ये था सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में, द बंदी जीवन के बारे में. ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, यूपीएससी ने क्यों पूछा, ये सारी चीजें हमने देखी. एंड प्रिसाइजली दिस वॉज द रीजन दैट लोकसभा सेक्रेटरिएट का जो ट्विटर हैंडल है वो लिखता है, नेशन रिमेंबर्स रिवॉल्यूशनरी सचिंद्रनाथ सान्याल ऑन हिज 80th डेथ एनिवर्सरी, विच वॉज 7th February 1942. ठीक है, सो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है. आजादी का अमृत महोत्सव है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बुक के 100 साल पूर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज में ये थे इसलिए इंपॉर्टेंट है. सो वी शुड बी रेडी. रिवॉल्यूशनरीज को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और अनसंग हीरोज और उनको पॉपुलर करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दिस वॉज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन सीडीएस 2023 ऑन 16th April 2023. हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन सजेस्टेड द डिसॉल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही डिसॉल्यूशन को किसने सजेस्ट किया एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय अ लोक सेवक संघ. लोक सेवक संघ डिसॉल्यूशन कभी सुना है, हाँ या ना? वॉज इट वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऑल फेमस बिग लीडर्स, प्रोमिनेंट पॉपुलर फेसेस. क्या है इसका आंसर, सो देखते हैं. बट ये क्वेश्चन 16 अप्रैल को क्यों पूछा गया था, बिकॉज देर वॉज वन आर्टिकल इन द न्यूज पेपर एंड दैट वॉज पब्लिश्ड ऑन 31st January 2023. 16th April 2023 को ये क्वेश्चन आता है और 31st जनवरी को ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है विच इज सेइंग, विच इज टॉकिंग अबाउट डिड गांधी रियली वॉन्ट टू कांग्रेस वॉन्ट द कांग्रेस पार्टी टू बी डिजोल्व आफ्टर इंडिपेंडेंस. एंड ये बात इस आर्टिकल में लिखी हुई है और इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं. सो दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द, ये आपको अलग अलग सोर्सेज से भी पता चल सकता है बट यस वी फाउंड इट कि अगर करंट अफेयर्स में है तो उसकी रिलेवेंस उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई जाए. नाउ दिस आर्टिकल वॉज देयर दैट अ डे बिफोर हिज असैसिनेशन इन 1948 गांधी जी रोट अ डॉक्यूमेंट विच इज पॉपुलरली नोन एज हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट एंड इट प्रिसाइजली टॉक्स अबाउट like what Gandhiji wanted the path or the future of Congress should be. Okay, so jab desh azad hua 1947 ke baad Gandhiji ka ye manna tha ki abhi jo party ka intention tha, jo party ka role tha ya party ki jo desire thi jis liye wo party establish ki gayi thi, wo part achieve kar liya gaya hai. That party's purpose was served with the attainment of independence. Therefore, now a party ko kya karna chahiye? The party should focus upon attaining social, moral, economic independence. Bhai, political independence to mil gayi. Abhi focus hai social, moral aur economic independence pe kaam karne ke. Ab uske response mein inhone suggest kiya ki it must be kept out. Indian National Congress should be out of unhealthy competition of political parties and communal bodies. Usko alag rakho. And for these and other similar reasons, All India Congress Committee, AICC, resolves to disband the existing Congress organization and floor into Lok Sevak Sangh Society to serve the people. Aisa Gandhi ji ka manna tha ki bhai chalo, agar aapko political setup rakhna hai, to जो ओरिजिनल पार्टी है उसको छोड़ो, वो अपना सोशल मोरल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे फोकस करे, बाकी एक पॉलिटिकल अगर आपको करना है तो करो, बट द इंटेंशन हैज बीन द पर्पस हैज बीन सर्व्ड, नाउ द फोकस शुड बी ऑन सर्विंग द पीपल, सोसाइटी टू सर्व द पीपल. ये गांधी जी ने सजेशन दिया था एंड उसके बारे में उन्होंने कुछ और भी बोला. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू कंसिस्ट ऑफ पंचायत लाइक यूनिट्स,
which would be present in villages, closely interact with the villagers, achieving Swaraj along with the Gandhian lines. ये उनका था कि भाई अगर ये पार्टी एक्टिव होगी तो इस पार्टी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये पार्टी करेगी क्या. And the workers' duties, he said, shall be to keep a record from day to day. He shall organize the villages so as to make them self-contained, self-supporting through agriculture and handicrafts. जो हमें पता है गांधी जी के philosophy है cottage industry, village panchayats को decentralized swaraj वाली approach. And the workers should wear khadi, be teetotalers, they should reject untouchability. And they should have equal respect and regard for all religion, equality of opportunity and status. ऐसा vision था कि अगर AICC को dissolve किया जाता है तो जो लोक सेवक संघ आएगा उसका purpose क्या होगा. Guys, this is very very important because एक तो गांधी जी से आता है और इसका बहुत बड़ा intention है present setup में भी कि क्यों suggestion आया. This was the second question of the day for us. वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम कुछ भी मार करके आते हैं क्योंकि पता नहीं होता है. सारे नाम कोई कहेगा कि बी आर अम्बेडकर हो सकते थे बिकॉज ऐसे रेडिकल सजेशंस बी आर अम्बेडकर दे सकते हैं अगर हमें नहीं पता है तो. नाउ विच थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस वॉज ऑल्सो आज बाई यूपीएससी इन दिस सी डेज 2023. विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पहले तो यह पता होना चाहिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्टैब्लिश की, कब स्टैब्लिश की. आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. Founded the Seva Samiti at Allahabad in 1914. अब ये बोल रहा है कि servants of India Society के कौन से वो member थे जिन्होंने Seva Samiti at Allahabad 1914 में establish किया था. Was it श्री राम बाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, एस जी वागे वाजे, श्रीनिवास शास्त्री, थे कौन. So Seva Samiti पहले तो पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद में establish की गई थी 1914 में by another prominent member of Servants of India Society. इसका direct answer हृदयनाथ कुंजरू. It was founded in 1914 इलाहाबाद. And purpose क्या था, objective, इस सेवा समिति का objective यही था to organize social service during natural disasters, floods, epidemics and to spread education, upliftment, sanitation, cooperation, depressed class, reform criminals, rescue. जितनी अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब objective था एक सेवा भाव से, servitude, सर्विस ओरिएंटेशन, ये ऑब्जेक्टिव था जो गांधी जी शायद करना चाह रहे थे आफ्टर थ्रू दी लोक सेवा संघ. ये ऑलरेडी सेवक सेवा समिति स्टैब्लिश की गई थी हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा. नाउ वी शुड ऑल्सो नो अबाउट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. सो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन जून 1905 बाई गोपाल कृष्ण गोखले. To build for what? What was the purpose? Dedicated group of people who will do the social service and will bring necessary reforms. And again, removal of untouchability, education, sanitation, healthcare, जैसा हमने पहले देखा सेवा समिति के respect में. From 1911, it also published its newsletter called Hitwada in English from Nagpur. And the society still exists and has its headquarters in Pune. ये बात पता होनी चाहिए. कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डैश सोसाइटी स्टिल एग्जिस्ट एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश डैश, कुछ एक अच्छी खासी तीन चार स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको मार्क करने को बोला जाएगा. देन वी विल बी क्लूलेस, हमें लगेगा कि ये आज भी एग्जिस्ट करता है, कैसे, कहाँ, कब. तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले, वी शुड ऑल्सो लुक एट द रीसेंट आर्टिकल्स. गोपाल कृष्ण गोखले बर्थ एनिवर्सरी, नो अबाउट द सोशल रिफॉर्मर एंड मेंटर ऑफ महात्मा गांधी. ही वॉज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल मेंटर. सो स्पिरिचुअल गुरु, पॉलिटिकल गुरु, ये सब हम पढ़ते हैं. सो मेंटर ऑफ महात्मा गांधी एंड दिस वॉज ऑन 9th May 2023. इनकी बर्थ एनिवर्सरी है इसलिए हमेशा ये न्यूज में थे, लास्ट ईयर भी, इस साल भी. Then there was another article which was published last year, March 17, 2022, Know Your City. However, ये आप regular course में आप नहीं पढ़ोगे इसको, but it is talking about Justice M.G. Ranade, the social reformer who played a very important role in shaping modern Maharashtra, and he was the guru of Gopal Krishna Gokhale. Politician and reformer Gopal Krishna Gokhale wanted to start, this article is talking about, एक बहुत अच्छी information है जो हमें पता होना चाहिए
क्योंकि इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी देन वी शुड ऑल्सो नो अबाउट वॉट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट. दिस आर्टिकल इज सेइंग गोपाल कृष्ण गोखले वॉन्टेड टू स्टार्ट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट इन ऑनर ऑफ हिज मेंटर. महात्मा गांधी के मेंटर को हमने देखा कि गोपाल कृष्ण गोखले थे. हु वॉज द मेंटर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले? सो हिज मेंटर वॉज जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, एम जी रनाडे. हिज गुरु वॉज एम जी रनाडे एंड इन हिज ऑनर ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर हिज मेंटर. वॉट वॉज द पर्पज? टू स्प्रेड इंडस्ट्रियल टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रिसाइजली बिकॉज अ विजन ही इनहेरिटेड फ्रॉम रनाडे. सो रनाडे जी से उन्होंने क्या क्या विजन लिया? अबाउट इंडस्ट्रियल टेक्निकल एंड साइंटिफिक इंडिया, साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक नॉलेज. थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं. सो इन दिस आर्टिकल इट वॉज रिटन कि आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905, गोखले रिसीव्ड द लैंड फ्रॉम अ वेल नोन पॉलिटिकल फैमिली फॉर अ 99-year लीज. और 1910 में इन्होंने दी रनाडे इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट पूना में 1910 में ये इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया. पर्पज हमने देख लिया. क्वेश्चन कैन बी डैश सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाई गोपाल कृष्ण गोखले, फाइन. 1905 द रनाडे इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश बाई गोखले, देन वी विल बी इन 1910, देन वी विल लाइक वो नहीं. एक तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है और गोखले जी नहीं हो सकते. या कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दे देता है, देन वी विल बी क्लूलेस. सो वी शुड नो अबाउट इट बिकॉज दोनों आसपास के डेवलपमेंट है, दोनों रिलेटेड डेवलपमेंट है एंड ऑलरेडी जब न्यूज में था तो वी शुड नो अबाउट इट. दैट वॉज दी अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज अगेन इन सी डी एस 2023, वेरी सिंपल क्वेश्चन. वाई आई हैव केप्ट दिस क्वेश्चन इज कभी कभी ऐसे ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं और गूगली हो जाती है. वी वॉन्ट बी एबल टू मार्क इट करेक्ट बिकॉज हमें लगता है ये क्या ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है. और जब हम पढ़ते हैं तो शायद बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. In the context of 18th century India, what was Dastak? Signature, land document, trade permit, tax on textiles. तो ये हमें पता है कि ये trade permit है. लेकिन मौके पे hot seat पे जब बैठे रहते हैं then chances are high that we will mark it wrong. So Dastak was the trade permit given to the East India Company by Farrukhshiyar Farman of 1717. तो इस तरीके से trade permits दिए जाते थे 18th century में. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मजे विद्यापीठ, द फेमस पोयम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे. नाउ फोर नेम्स, चांसेस आर हाई कि आपने नहीं सुना होगा एंड चांसेस आर इक्वली हाई कि आप इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में अंटिल अनलेस यू नो अबाउट इट एंड यू नो द सोर्स ऑफ इट. सो द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट फोर पीपल एंड ये किसकी पोयम है? नारायण सुर्वे, अमोल पालेकर, बालचंद्र निमाड़े, नरेंद्र जाधव. किसकी ये पोयम है? पता है तो मार्क करेंगे, नहीं तो हाईली चांसेस आर वेरी हाई दैट वी विल लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज ऐसा लगे यार कभी सुना ही नहीं. बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड दिस एनसीईआरटी इज इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 फॉर क्लास 10th. और इस बुक में देर इज अ चैप्टर नंबर 4, द सिटी इन द कॉलोनियल इंडिया. इन दैट यू विल फाइंड दिस पोएम, द मेनी शेड्स ऑफ बॉम्बे. इट इज टॉकिंग अबाउट माय फादर केम डाउन, द सयाद्रीज, अ क्विल्ट ओवर हिज शोल्डर, ऐसे करके माय फादर विदर्ड अवे टॉयलिंग, पूरी पोएम लिखी गई है. अच्छी है, इंस्पायरिंग पोएम है. एंड दिस हैज बीन टेकन, इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माजे विद्यापीठ 1975 बाई नारायण सुर्वे. द वर्सेज ऑफ दिस पोएम आर अ स्टार कॉन्ट्रास्ट ऑफ ग्लिटरिंग वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स पॉइंटिंग टू एंडलेस टॉयल विच न्यू माइग्रेंट वर्क एनकाउंटर्स इन द सिटी. जो माइग्रेंट लेबरर होता है, माइग्रेंट वर्कफोर्स होता है, वो सिटी में एक तरफ तो हम उसको फाइनेंस कैपिटल और फिल्मों का कैपिटल बॉलीवुड के वजह से जानते हैं, बट दूसरा कंट्रास्ट है धारावी, दूसरा कंट्रास्ट है ये पोयम. सो ये पोयम किसने लिखी है? नारायण सुर्वे ने. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है अबाउट दिस सिटीज इन कॉलोनियल इंडिया के बारे में ये लिखा गया है. जान लेते हैं. सो ये इंफॉर्मेशन है, बिफोर नारायण गंगाराम सुर्वे बिकेम अ मराठी पोएट, ही हैड ग्रोन अप इन ऑर्फन स्ट्रीट्स मुंबई, देन ही सर्वाइव्ड डोमेस्टिक हेल्प.
He was influenced by leftist leaders like S.A. Dange, drawn in the trade union movement in Mumbai mills. तो इस तरीके से उनकी जर्नी रही, लेबर क्लास के बारे में उन्होंने इस वजह से लिखा. एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड, ही हैज रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स. मराठी पोएट थे, पद्मश्री इनको मिला है 1998 में. ही वेंट ऑन टू बिकम दी चेयरपर्सन ऑफ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 1995. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस टुडे व्हिच वी हैव टेकन माय डियर स्टूडेंट्स. एंड वी विल टेक अप, और भी अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन मिलता है जिसके चांसेस ये हैं कि आपको पता होना चाहिए, अगर कुछ ऐसा है जो आप ऑलरेडी पढ़ते रहते हो, देन वी विल नॉट कवर इट. बट दोज क्वेश्चंस व्हिच वी फील और वी विल फाइंड दैट इट इज यूनिक एंड द चांसेस आर हाई कैन बी आस्क्ड, दोज क्वेश्चंस वी विल टेक एंड वी विल रिवाइज हियर. ओके, नाउ आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस पीडीएफ वेयर वी हैव गिवन अ लिस्ट 60 प्लस टॉपिक्स की एक लिस्ट हमने दी है, सब्जेक्ट वाइज दिया है. मेक यूज ऑफ इट, रिवाइज वेरी वेल एंड ट्रस्ट मी दिस टॉपिक लिस्ट विल मेक सेंस एट प्रेजेंट मोमेंट, और ज्यादा इसका रेलिवेंट होगा क्योंकि अभी तक आपने अपने सोर्सेस पढ़ लिए. जस्ट चेक कि ये सारी चीजें कवर की हैं या नहीं. ओके, डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा. रिवाइज वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. कोई टेंशन नहीं लेना है मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें याद नहीं रह रही हैं, सब मौके पे याद आएगा. बस आप अपना फोकस रिवीजन पे रखिए, टारगेट्स कंप्लीट करिए. एंग्जाइटी होगी तो और सारी चीजें आपकी छूटेंगी ही छूटेंगी, राइट? सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स फॉर नाउ. ओनली योर फोकस शुड बी कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. डोंट लीव एनीथिंग, डोंट गो टू द एग्जामिनेशन हॉल. सेलेक्टेड होके नहीं जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना है. एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे, इस अप्रोच से नहीं जाना है, राइट? एंड अभी सारा फोकस जो है आपका रिवीजन पे होना चाहिए. See you all, take care, and हम आते रहेंगे इस वीडियोस के साथ. See you all, bye bye.